तुम्हारे साथ हुआ है? अच्छा, 3 बार हुआ भाई, 3 बार, और क्या बताऊं, 3। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और एपिसोड सैंडी डीजे व्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी हमारी पिछली पुरानी वीडियोस को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। आपके बहुत ढेर सारे कमेंट्स आते हैं जो कि हम लोग देखते हैं और हमको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस होती है, तो थैंक्स फॉर दैट। तो अभी आपने हमारी पुरानी वीडियो सीरीज देखी थी गोवा गोवा गोवा, और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी, और मेरे बहुत से दोस्तों ने पूछा कि गोवा का अपना एक्सपीरियंस बताएं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई। मेनली स्कैम्स के बारे में बहुत आई थी, बहुत से क्वेरी आई थी। तो आज की वीडियो है डेडिकेटेड टू गोवा स्कैम्स। इससे पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर बढ़िया लगे तो आप शेयर भी करें। तो आज पूरा वीडियो हमारा स्कैम्स पे होगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्कैम नंबर 1, होटल्स। तो दोस्तों, अगर आपने होटल गोवा में, अगर सीजन का टाइम है नवंबर टू जनवरी, अगर आप लोग होटल बुक करते हो एडवांस में, अगर मान लो 2-3 महीने पहले अगर आपने होटल बुक कर लिया, तो वहाँ जाने से पहले आप होटल को एक बार कॉल कर लो। अगर आप मान लो 2 या 3 घंटे लेट पहुँचने वाले हो वहाँ पे होटल चेक इन के लिए, तो आप पहले फ़ोन कर लो। नहीं तो ऐसा होता है, अगर उस समय रश बहुत होता है तो वो होटल दूसरे को दे देते हैं, और फिर आप जब वहाँ पे पहुँचते हो तो अननेसेसरी आर्गूमेंट होते हैं, सो हमने तो बुक कर लिया था। तो आप पहले ही फ़ोन कर लो, हम लेट पहुँच रहे हैं या जल्दी पहुँच रहे हैं। अगर आप जल्दी पहुँच रहे हो तो मे बी पॉसिबल है वो होटल आपको जल्दी दे दे। स्कैम नंबर 2, होटल लॉन्ड्री। सो अगर आपने होटल चेक इन कर लिया है और अगर आपने मान लो 2 या 3 दिन के लिए होटल में स्टे कर रहे हो, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें, ठीक है। होटल के आप पॉलिसीज पढ़ लें। बाद में ये होता है, अगर आपने कुछ चीज़ें की है और पॉलिसी के हिसाब से नहीं है तो वो चार्ज कर लेते हैं। तो हमारे साथ ये हुआ था, हम लोगों ने एक टैटू बनाया था, टेम्प्रोरी टैटू। तो हम टैटू बनवाने के 10 घंटे बाद, 8 या 10 घंटे बाद, हम वहाँ पे जब हम नाइट में सो रहे थे तो टैटू का निशान आ गया था, तो उसका उन लोगों ने 6,000 पे चार्ज कर दिया। तो आप ये सब चीज़, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख के इन चीज़ों से आप बच सकते हो। इनफैक्ट 6,000, तो हमने उनसे बोला भी कि 6,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो नहीं माने कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, आप हमारी पॉलिसी पढ़ लीजिए। मैंने कहा 6,000 की आपकी एक चद्दर ख़राब हुई है सर, 6,000 की चद्दर, अगर आप मार्केट में चद्दर लेने जाओगे ना, आपको 2,000 से बढ़िया पूरी की पूरी डबल बेड की चद्दर आएगी, मोटी वाली, वो भी विमल की, ठीक है। तो 6,000 बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अगर आप टैटू बनवाते हैं तो एक बार टैटू वाले से भी पूछ लो उसको कैसे करना है। दूसरा, होटल वाले से भी पूछ लो कि लॉन्ड्री क्या क्या सिस्टम है आपके, अगर कुछ चीज़ ख़राब होती है तो, नहीं तो बहुत बुरा और भयंकर जुर्माना देना पड़ेगा आपको। और एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, अगर आप होटल बुक कर रहे हो तो आप गर्मी में, वहाँ पर गर्मी का मौसम होता है, तो आप कोशिश करते हो जो वहाँ पे पूल हो नहाने के लिए, इंजॉय करने के लिए, तो आप होटल में पहले ही फ़ोन करके पूछ लो जो हमारा स्टे इस डेट को है तो उस बीच में पूल ओपन है या नहीं। समटाइम ऐसा होता है अंडर मेंटेनेंस लिख के वो बोलते हैं पूल अवेलेबल नहीं है, अभी अंडर मेंटेनेंस है, तो आप एक फुल इंजॉय नहीं कर पाते हो। तो आप बेटर है आप होटल में पहले से ही फ़ोन कर लो। स्कैम नंबर 3, कैब्स। तो दोस्तों, अगर आप गोवा जा रहे हो और आप अगर फ्लाइट से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, तो आप होटल तक आप कैब से जाते हो या आप वहीं से आप कार रेंट करते हो, तो अगर आप वहां पे कैब ले रहे हो तो ये बेटर है। सो आप ऑन द स्पॉट कैब करने से अच्छा है आप एडवांस में बुक कर लो। वहां पे 2 ऐप्स हैं, गोवा टैक्सी, गोवा माइल्स एंड गोवा माइल्स, तो रेट जो है सिमिलर होते हैं। अगर आप वहाँ ऑन द स्पॉट बुक करोगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा, और ये पॉसिबल है आपको हाफ एन आवर आपको वेट करना पड़ेगा कैब के लिए। इनफैक्ट हम लोगों ने जब कैब बुक करी थी, जो गोवा माइल्स में जो कैब ऐप के थ्रू जो कैब का रेट बता रहा है 3,500 रुपये इनोवा का, हम लोग बाहर पता किए, वो अल्टिगा हमको 5,000 में ले जा रहा है। 5,000 बहुत है, मतलब 3,500 में इनोवा और 5,000 में अल्टिगा, डबल का अंतर हो गया सर। स्कैम नंबर 4, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो दोस्तों, अगर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंजॉय करना चाहते हो गोवा में, तो बेटर है आप ऑथराइज सेंटर से ही बुक करें।
और नहीं तो आप 500 जो वाटर एक्टिविटी 500 में कर सकते हो उसके आपको 1000 पे करने पड़ सकते हैं। तो आप ऑथराइज सेंटर पे जाए और वहाँ पे आप बार्गेनिंग करें, जो आपको बोल रहा है उसको 500 600 एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, हो सकता है आपको 200 का हो जाए। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो ये बेटर है हमेशा आप पूरा पैकेज ले, एक पैकेज के अंदर 5 एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो आप पैकेज लोगे सस्ता पड़ेगा और आप बार्गेनिंग करें, ठीक है। हो सकता है इस बीच पे महंगा है, दूसरे बीच पे वही वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सस्ता हो जाए। तो आप रिसर्च करो वहाँ पे, कुछ ऑनलाइन सर्च करो, होटल्स में भी आप पता कर सकते हो। होटल से आप बुक मत करो, सम अच्छे होटल्स जो होते हैं वो आपको बुकिंग भी दे देंगे अच्छे ऑथराइज सेंटर से, बट आप पता कर लो पहले। कहने का मतलब है बार्गेनिंग करने में बिल्कुल मत शर्माइए, बिल्कुल भैया तेल लगा के बार्गेनिंग करिए। हाँ वो तो बोलेंगे भैया नहीं 5000 6000 7000 आप सस्ता कराओ, ठीक है। टाइम नंबर 5 स्कूटी एंड बाइक। सो दोस्तों ये इसमें बहुत ज्यादा स्कैम, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा स्कैम ही यहीं पे होता है। अगर आप गोवा गए हो और अगर आप ग्रुप में गए हो या सिंगल गए हो या सोलो गए हो, तो गोवा आप इंजॉय फुल करते हो जब आप स्कूटी रेंट पे लेते हो, या अगर ग्रुप में अब जब आप रेंट कर रहे हो तो उसमें भी बार्गेनिंग की ज़रूरत है। आप बार्गेनिंग करो, ठीक है, वहाँ पे जाके आप पूरा बार्गेनिंग करो, टाइम दो। और बार्गेनिंग करने के बाद जब आप ले रहे हो, कार ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, स्कूटी ले रहे हो, तो आप वीडियो बनाओ, कोई भी स्केचेज तो नहीं है, कितने हैं आप उनको बता दो, सो भैया ये स्केच है यहाँ पे पहले से ही है, और तब आप लो। बिकॉज आप बाइक रेंट पे ले लिया ऐसे ही और आप चले गए, लौट के आओगे वो बताएंगे इस पे स्क्रैच नहीं था, स्क्रैच आ गया है, और जबकि वो पहले से होगा, तो उसके आपको बहुत ज़्यादा चार्ज देने पड़ेंगे। 400 की बाइक में अगर आपने 400 पर डे का रेंट लिया है और आपको बाइक वापसी करोगे तो वो स्क्रैच का आपसे 2000 रुपये मांगेगा, 2 से 3000 रुपये। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश कर। बिल्कुल। और अगर कार रेंट कर रहा हो तो उसमें तो बहुत जरूरी है, उसमें तो आप प्रॉपर वीडियो बनाओ हर तरह से, क्या है आपको? अंदर से बाहर से दोनों तरफ से, कार में तो दोनों तरफ से। और उसको आप पूरा प्रॉपर चेक कर लो, गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा बहुत उनको दिखा दो, जो भी इश्यूज है उनको आप बता दो, वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस स्कैम से आप बच सकते हो, बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा आपको। कैब वाले में मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मान लो बाहर से आप कैब ले रहे हो, अगर आपने ऐप के थ्रू नहीं लिया है, तो आप एक बार ये कंफर्म कर लीजिए कि आप में एसी इंक्लूडेड है कि नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ था भैया, हमने नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जा रहे थे, एक बंदे ने कैब ली हम लोगों ने, 3800 की कैब थी, और वो हमको खुली खिड़की में ले जा रहा है, 3-4 घंटे का रास्ता इतनी तेज गर्मी का। तो नहीं सर, अगर आप एसी लोगे ना तो आपको वो देना पड़ेगा, 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैंने क्या मतलब हुआ, उससे अच्छी कैब हमारी क्या बोलते हैं गोवा टैक्सी या फिर गोवा माइल्स में 4000 की हो रही थी। हमने इस बाहर से इसलिए कराई क्योंकि ये 3800 में ले जा रहा था, हमने कहा जो 200 रुपये बचे, लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 1000 रुपये तो तब मैं एसी चालू करूंगा। फंस चुके हैं, अब देने पड़ेंगे, क्या करेंगे। तो दोस्तों गोवा बहुत अच्छी जगह है घूमने का, बिल्कुल आप गोवा जाओ, घूमो, इंजॉय करो, और छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हो तो गोवा फुल इंजॉय कर पाओगे आप। और सबसे लास्ट स्कैम है आपका पैकेजेस इन दूध सागर और अदर जगह। तो अगर आपका दूध सागर वाटरफॉल का प्लान है तो आप कोशिश करें, इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है, आप ऑनलाइन बुकिंग कर ले, 1800 और 1900 पर पर्सन होता है, तो उसमें आपको दूध सागर एंड स्पाइस प्लांटेशन का एक्टिविटी होता है और लंच उसमें इंक्लूडेड होता है, तो ये बेटर होगा। बिकॉज आप रश में जाते हो तो वहाँ पे ऐसा होगा, आप बुकिंग के लिए एक एक घंटे लाइन में खड़े होगे, बुकिंग फुल हो गई नहीं मिलेगी, तो आप परेशान हो जाओगे। अगर फैमिली के साथ हो तो ज़्यादा परेशानी होगी, अगर आप बैचलर हो आपके पास टाइम है तो आप ले सकते हो, जा सकते हो, बट बेटर यही है आप पैकेज बुक करो, और जो पैकेज जो वहाँ पे बुकिंग है ऑथराइज सेंटर्स के थ्रू ही बुकिंग करें, मतलब बाहर किसी से ना बोल लें कि भाई तुम दूध सागर ले चलोगे क्या,
वो ले तो जाएगा, वो आपको दूध सागर ले गया 2000 रुपए में, लेकिन भाई दूध सागर दिखा के वापसी आ जाएगा ना, वो आपको चर्च घुमाएगा ना वो आपको ये स्पाइस प्लांटेशन दिखाएगा, वो बस घुमा के ऐसी ऊपर ऊपर से ले आएगा। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। नहीं और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आपको इस एपिसोड से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो बहुत आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हम लोग आपके लिए इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। और अगर अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिल्कुल, और मिलते हैं आपसे किसी और एपिसोड में, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुको रुको रुको, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी गोवा की सीरीज नहीं देखी है, आप लोग अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मैं ऊपर आई बटन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाइए और इस पूरी सीरीज का आनंद उठाइए।